हेलो जी, वेलकम टू माय स्टाइल माय फिटनेस। आई एम रवि सप्रा। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमको अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है अपना बॉडी वेट लूज़ करने में। तो जनरली ये कहा जाता है कि हमको अपनी बॉडी में चेंजेस नोटिस करने में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 weeks लगते हैं, और जो हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनको नोटिस करने में अप्रॉक्सीमेटली 8 weeks, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी आपके रेगुलरली कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनको नोटिस करने में अप्रॉक्सीमेटली 12 weeks लग जाते हैं। बट साइंटिफिकली स्पीकिंग, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप। क्योंकि बॉडी टाइप क्या है उसके हिसाब से ही आपका वेट लूज़ और गेन होता है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे 3 तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं, एंडोमॉर्फ्स, एक्टोमॉर्फ्स और मीजोमॉर्फ्स। एंडोमॉर्फ्स वो होते हैं जो वेट गेन तो बहुत आसानी से कर लेते हैं लेकिन लूज़ करने में बहुत मुश्किल होती है, और वैसे ही उनको मसल गेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक्टोमॉर्फ्स होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, उनको ना तो फैट गेन होता है ना तो मसल गेन होता है इजीली। और मीजोमॉर्फ्स होते हैं जिनको फैट और मसल दोनों ही बहुत इजीली गेन होते हैं और बहुत ही इजीली लूज भी हो जाते हैं। हमको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं इसके बारे में अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि हमको कौन सी बॉडी टाइप के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर टेंडेंसी है वेट गेन करने की, तो आपको एक दिन में कभी वेट गेन नहीं होगा, आपको कई हफ्ते या कई महीने लग जाते हैं वेट गेन करने में। तो वैसे ही अगर आप लूज़ करना शुरू करते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में सारा वेट लूज़ कर लेंगे। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे ही जिस तरह से आपको वेट गेन हुआ है वैसे ही धीरे धीरे ही वेट लूज़ भी होता है। और जब भी आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो ये मान के चलिए आपको मिनिमम 2 हफ्ते तो लगेंगे ही अपनी बॉडी में चेंजेस नोटिस करने में। एक तो आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, आपका बॉडी का पोस्चर ठीक होना शुरू हो जाएगा, और आपके मसल्स में हल्का हल्का टोनिंग आना शुरू हो जाएगा। तो इसे ये मत सोचना कि आप जैसे ही वर्कआउट होना शुरू करेंगे आपका फैट एकदम से ही लूज़ होना शुरू हो जाएगा। हमारी बॉडी कभी भी इस तरह से वर्क नहीं करती है, उसको टाइम लगता है धीरे धीरे ही हमारी बॉडी को अडेप्ट होने में हर चीज़ के लिए। जब हम वर्कआउट शुरू कर रहे हैं तो पहले अपना कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आपकी बॉडी में स्टेमिना गेन हो, आपकी बॉडी यूज टू हो जाए वर्कआउट करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी बढ़ा के, अपनी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ा के आप फर्दर मोर वेट लूज कर सकते हैं। और सिर्फ कार्डियो से कभी भी आपका वेट जल्दी से लूज़ नहीं होगा, आपको मसल गेन पे भी वर्क करना पड़ेगा। जब आपकी मसल्स ग्रो होती हैं तो जब आप रेस्ट कर रहे होगे तब भी आपका फैट बर्न होता रहता है। आपका फैट प्रॉपर वे में बर्न करने के लिए आपको कैलोरी डेफिशिएंट होना पड़ेगा। दैट मींस आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है उससे स्लाइटली कम अगर कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे तो आपका फैट बर्न होके उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करेगा आपकी बॉडी की कैलोरीज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और दूसरी चीज़, आप कभी भी कुछ भी करके अपने बॉडी के फैट को स्पॉट टारगेट नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी डबल चिन है, या आपके आर्म्स के ऊपर फैट आ रखा है, या आपकी बेली फैट है, या आपके साइड एंगल्स हैं जिसको लव एंगल्स भी बोला जाता है, या आपके थाइज़ है, ऐसे आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी ओवरऑल बॉडी में फैट गेन होता है वैसे ओवरऑल बॉडी में फैट लूज़ भी होता है। एक जगह को आप टारगेट करके कभी भी एक जगह फैट आप लूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारे फैट टिश्यूज़ और मसल टिश्यूज़ बहुत ही डिफरेंटली वर्क करते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर जगह की मसल को ज़रूर टारगेट कर सकते हैं लेकिन आप एक पर्टिकुलर जगह के फैट को टारगेट नहीं कर सकते हैं। जब फैट गेन होगा तो पूरी बॉडी में एक साथ होगा, और लूज़ होगा तो पूरी बॉडी में एक साथ लूज़ होगा। तो इसी के साथ आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले वार्मअप, फिर स्ट्रेचिंग, देन एक्सरसाइजेस।
ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की वही 5 बेसिक एक्सरसाइजेस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।